26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर शिमला में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौड़ा मैदान में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, मुख्यमंत्री सुखविंदर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडल्य समेत कई अन्य गणमान्य भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस पर राज्य के कार्यक्रम आयोजित करने की शुरुआत करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस लोकतंत्र का सपना देखा था, आज के दिन वो साकार हुआ। 75 साल पहले जिस लोकतंत्र की स्थापना का सपना माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी ने देखा, वो साकार हुआ है। जब देश आजाद हुआ, उससे पहले ना लोकतंत्र था, और देश की आज़ादी के बाद जब देश को चलाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों को उस समय देखा और एक ऐसे संविधान का निर्माण किया। उस संविधान में सभी जातियां, सभी धर्म, सभी क्षेत्रीय, सभी भाषाओं को एक समान एक रूपता में लाने का प्रयास इस संविधान में किया गया। वही विधायकों को नगर निगम चुनाव में मत का अधिकार देने को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। ये उस कानून में पहले से ही है, आप उनको उस कानून को देख सकते हैं। और अभी दो जगह चुनाव हुआ है, ये उनकी उन पर डिपेंड करता है कि क्या MLA डालना चाहता है या नहीं डालना चाहता है। एक वॉलंटरली उसके पास पहले से रह जाएगा। बता दें, संविधान दिवस के मौके पर शिमला में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर पहुंचे। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।